never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. Alright, so hey guys, welcome back to new vlog. आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मैं भी एकदम तगड़ा रखा हूँ। मैं जानता हूँ ये चेहरा बहुत ही दिनों बाद दिख रहा है। सो आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, मैं एक वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक पार्सल आया था रमज़ान में ही, आज से तो 25 दिन हो गए वो आए हुए। सो वैसे ही पड़ा था। सो ये है वो चीज़, बॉक्सिंग पैड, पंचिंग पैड है, देखा भाई इधर। सो आज इसका हम रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं। वैसे मैंने सोचा अनबॉक्सिंग करना है तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं इसको, थोड़ा सा रिव्यू मिल जाएगा कि कैसा है, क्या है, प्राइस क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है। सो चलो डूड, भाई जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं है क्या इसमें। मन भाई है, मैं जो है लाइटिंग की कम की वजह से मैंने अपना रिंग लाइट लगा दिया है। रील्स तो बनता नहीं है भाई, रील्स बनता नहीं है, इसी सब चीज़ों में काम आता है ये रिंग लाइट मेरा। रिंग लाइट को दिखा दो भाई एक नज़र, बस करो यार कितना दिखाओगे, करीब लाओ यार, दिखा दिखा दिखा। ओ हो हो हो, स्लिप दिखा दे, स्लिप आप लोग देख ही सकते हो, ये प्राइस मेरे नाम से आया कुछ यार, ये बहुत ही भारी है। मैंने इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये बहुत बड़ा है, अभी खुलेगा कैसे। ये आप लोग देख ही सकते हो, ये हाथ में लपेट कर मतलब बॉक्सिंग करने वाला है, इसको भी फिलहाल के लिए साइड इसको साइड में रखते हैं यहाँ पे, और पैड को खोलते हैं पहले। भाई जब टूटा आज जुमा का दिन था इसलिए मैंने कुर्ता डाला हुआ है, कुर्ते में गर्मी भी ज़्यादा ही लगती है, आज जुमा की वजह से मैंने कुर्ता डाला और चेंज भी होती है। घर दिखाओ भाई, घर दिखाओ डूड, ये जो इसका चैनल है जो बहुत ही ज़्यादा हैवी है एकदम, आप लोग देख ही सकते हो करीब से, टोटल पैसा वसूल है, लग रहा कि भैंस बांधना है इतना ज़्यादा मजबूत है। फैन ऑन कर दो यार, फैन में बहुत ही ज़्यादा लग रही है। दूसरी वाली बटन, दूसरी वाली, अरे यार उधर से दूसरी, देखो कैसा लग रहा है। एक मिनट को मैं आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट दे देता हूँ। I never think, I never know. ये पंचिंग पैड तो अनबॉक्स हो गया, आप लोग देख ही सकते हो, ये अभी से लगाना है वहाँ पे, आप लोग को देख ही सकते हो, एक कुंडी दिख रही है अब उसमें लगाना है। लेकिन ये जो है इसका जंजीर बोल सकते हो आप इसको,
ये उतनी बड़ी नहीं है कि इसमें लटका के मतलब नीचे तक आ जाए, तो हमें एक वहाँ पे रोप का सपोर्ट लेना पड़ेगा, मतलब रस्सी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही इसको लटकाएंगे, फिर बॉक्सिंग आराम से कर सकते हैं। सो वहाँ पे पहले रस्सी बांधनी होगी कोई मजबूत सी, क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है, 12 केजी तो दिखा रहा था उससे, हाँ लग भी रहा है 12 केजी होगा। सो चलो पहले लगा लेते हैं उसको, उसके बाद इसको लटकाते हैं, फिर देखते हैं। सो मैंने उसको भेज दिया है जाने के लिए, रस्सी पैरा जूता जो होता है थोड़ा मजबूत होता है, जल्दी लेके आओ भाई। सो वो लेके आता है तो इसको लटकाते हैं, फिर इंजॉय करते हैं। भाई देखो इससे मंगाने का मकसद एक ही मोटिव है मेरा, मुझे रात में नींद नहीं आती भाई, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आती है, सिर्फ क्या ही बताऊँ मूड होता है यूट्यूब ब्लॉग के लिए, ब्लॉगिंग को लेके सोचता हूँ कब करूँगा, कब मिलेगी सक्सेस, मूड ऑफ होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पंचिंग पैड मंगा लेते हैं भाई, इसी पे अपना गुस्सा शांत कर लेंगे। सो ये रहा अपना प्यारा सा पंचिंग पैड, सो आप अपना सारा गुस्सा इसी पे उतारेंगे, ठीक है भाई। देखो मेरी रिंग लाइट यहाँ है जो सिर्फ इसी सब काम में मतलब चीज़ों में काम देती है, रील्स बनती नहीं, यहाँ पे ब्लैक पर्दा भी लगा हुआ है लेकिन मैं रील्स भी नहीं बना पाता हूँ, देख ही सकते हो आप लोग। रील्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बनाता हूँ कोई मतलब वो जो रील्स मुझे अच्छी लग जो रील्स मुझे अच्छी लगती है वो कभी काल मैं बना देता हूँ भाई। तो मुझे रील्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लॉगिंग में है, बट ब्लॉगिंग में कर नहीं पाता हूँ, डेली ब्लॉग करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं रूट कब तक क्या होता है, अभी तो बहुत आगे जाना है भाई, अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं। सो ये रही रस्सी, इसके सपोर्ट से हम यहाँ पे लटकाएंगे इसको, फिलहाल के लिए रखते हैं इसको। बाप रे ये तो बहुत, ये सब उठा के फालतू सामान बाहर फेंको दो, ये कार्टून दे दिया। सो लूट देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, भाई जो यहाँ पे जिप दी हुई है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या चीज़ है, और पास लेके आओ भाई, जिप खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ माय गॉड यार, देख ही सकते हो आप लोग इसके अंदर शायद धागा टाइप, दूर से दिखाओ, दूर से आप लोग देख ही सकते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, धागा का छोटा छोटा टुकड़ा है, पता नहीं क्या चीज़ है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में करके बता देना क्या है। जो भी यह वजन है इसमें तो वही समझ में नहीं आ रहा था इसके अंदर रहता क्या है, तो ये भी जान लीजिए कि क्या है इसके अंदर। इसको लटकाने का टाइम आ गया, बाहर से यहाँ पे टेबल रखा हूँ लेके आओ, तो बड़ा वाला टेबल, रस्सी लटकाना पड़ेगा ऊपर है ना हाइट में, तो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी भाई यहाँ पे। सो डूड रस्सी तैयार हो गई है, बस उसको यहाँ पे लटकाना है। हेल्प कर आप लोग देख ही सकते हो ये पूरा एकदम मतलब फिट हो गया, अब बस बॉक्सिंग करना है। सो आप लोग देख ही सकते हो ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को छोड़ दो अभी, तो वीडियो कंप्लीट करके मैं इसके प्राइस के बारे में बात कर देता हूँ, अभी इसका क्या प्रोसेस है पहले देख लेते हैं। देख सकते हो आप लोग,
इधर गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने ये मत सोचना आप लोग की बॉडी दिखा रहा है, बॉडी है नहीं मेरे पास। तो आपका सारा गुस्सा मैं इस पर ही उतारने वाला हूँ, बहुत ही बैड लक है इसका जो मेरे घर आ गया, बहुत ही पीटूंगा इसको। तो बॉक्सिंग करने से पहले पास आ भाई एक चीज दिखा देता हूँ मैं, तो जो पंचिंग बैड की क्वालिटी होती है सबसे पहले उसमें जो भाई खुलता है, ये देखो ये सीलन है ना, ये बहुत से लोगों की मतलब कमज़ोर होती है, यही वाली शिकायत आती है कि ये सीलन जो है खुल जाती है, दिखाओ भाई कहाँ से, ये सीलन जो है खुल जाती है, लेकिन इस प्रोडक्ट की काफ़ी शानदार सीलन क्वालिटी दी गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया। मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यू देखा, उसके बाद ही ये वाला ऑर्डर किया था। इसमें इसका बहुत ही बैड लक होने वाला है, थकान सी हो गई एक तो, बाप रे ये गर्मी कितनी पड़ रही है, मुझे तो हालत ही खराब हो रही है। सो गाइस हाइट बहुत कर लिया, अब आओ इस प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये प्रोडक्ट मुझे कुछ पड़ा 1556 रुपये का, सारे ऐसे कुछ था, बहुत ही ज़्यादा देखने में तो लग रहा है इतना हैवी है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा, 5-6 हज़ार का होगा, लेकिन ये बहुत ही सस्ता है। रूट मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि ये मंगाने का मतलब बहुत महंगा होगा, लेकिन रूट ये बहुत ही सस्ता है। आप लोग वीजा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी हर तरह से अवेलेबल है, लेकिन पहले आप लोग भी रिव्यू देख लेना यूट्यूब पे, उसके बाद ही मतलब कोई भी चीज़ ऑर्डर करना है, ऐसे ही अंदाजे नहीं कर लिया जाता है। मैंने भी पहले रिव्यू देखा था उसके बाद ही यूट्यूब पे, अब तो मेरा वीडियो देख ही रहे हो भाई। सो जाओ, अगर आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को मंगानी है, तो ये वाला आराम से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, देख ही सकते हो आप लोग। सो डूड आज का वीडियो यही था, इसी के लिए खास था, मतलब ये रमज़ान में का पड़ा था, एक महीने से पड़ा था मुझे, मैं इतना आलसी हूँ कि क्या ही बताऊँ, रमज़ान में भी एक भी वीडियो नहीं दे पाया, ईद पे भी एक भी वीडियो, मैं लखनऊ 4-5 बार गया वो भी वीडियो नहीं आप लोगों को दे पाया। शेड्यूल मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को डेली ब्लॉग दूंगा, मुझे भी बहुत ही, इसीलिए मुझे रात में नींद नहीं आती डेली ब्लॉग के चक्कर में। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली ब्लॉग करूं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो और कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय द वे एक चीज़ और देखा देता हूँ, ये है मेरे पास पड़ा है टैब है लावा का, जो मिला है सरकार की तरफ से, आप लोग जानते होंगे यूपी सरकार दी है हमें, हमारे घर में ऐसा 5 आया है, 5 मेरी बहनें पढ़ती हैं कॉलेज में। सो अगर इसका रिव्यू चाहते हो तो कमेंट में बताओ, कल इसका मैं रिव्यू दूंगा इस वाले वीडियो में, अगर चाहते हो तो कमेंट करो, मैं इसका भी रिव्यू दे दूँगा। ऐसा टाइम मेरे घर में 5 आया है और एक फ़ोन आया है मेरे भाई का है, जो 6 मोबाइल आया सरकार की तरफ से, क्या बात है डूड। तो चलो डूड आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, भाई देखो बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो मिलते हैं अगले एक मस्त से न्यू से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।